ओके गाइस, सो अभी तक हमने टैब्स देख लिए हैं, टैब पैनल देख लिया, टैब लिस्ट देख रही है, टैब्स लाइक पेरेंट्स हम चाइल्ड में कैसे पास कर रहे हैं। और आप ये देख रहे होंगे ना, ये हम सेम चीज़ लाइक टैब 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 जस्ट आईडी चेंज हो रही है और उसका नेम चेंज हो रहा है, और सेम कंपोनेंट को हम अगेन एंड अगेन कॉल कर रहे हैं। सेकेंड वन इज, अगर आप टैब पैनल में देखोगे, यहाँ पर भी सेम लाइक टैब पैनल टैब पैनल टैब पैनल सेम चीज़ रेंडर हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक कॉन्स्ट बना सकते हैं, एक एरे बना सकते हैं जिसमें टैब का नेम रहेगा, टैब की रहेगी, और उसको मल्टीपल कंपोनेंट्स में हम लाइक उसको सॉरी मैप के थ्रू रीरेंडर कर सकते हैं। ओके सो अब हम क्या करते हैं इस वीडियो में, तो सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, एक इनम बनेगा हमारा, किस टाइप के टैब रहेंगे हमारे, टैब का नाम क्या रहेगा, लाइक आईडी हम बोल सकते हैं, टैब्स आईडी आईडीज। ओके, एक बनेगा मेरा होम, एक बनेगा मेरा अबाउट, एंड एक बनेगा मेरा कॉन्टैक्ट। ये कुछ भी हो सकता है राइट गाइस, मैं जस्ट जो मीन्स हर एवरी वेबसाइट पे तीन चीज़ें तो रहती रहती हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें चूज की हैं। अब मेरा बनेगा शॉर्ट टैब टैब्स राइट। इसको अब हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे अब हम इसको, एंड सबसे पहले हम बनाएंगे आईडी, आईडी क्या रहेगी मेरी, लाइक होम, एंड लेबल बनेगा मेरा होम, एंड थर्ड वन और क्या होता है की, इसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पर, टैब की, टैब की बन जाएगी मेरी, ये आपको देनी है। और जैसे हमारे थ्री टैब्स हैं, तो थ्री टैब्स मेरे बन गए हैं, एंड जस्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अबाउट दे देंगे, एंड यहाँ पर नेम, एंड यहाँ पर वन, सेम विद कॉन्टैक्ट, एंड यहाँ पर कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर टू। सो इससे क्या बेनिफिट होता है ना, जैसे कल को वो बोल देते हैं यार होम नहीं होम वन चाहिए, तो आप क्विकली कर सकते हो, अबाउट नहीं अबाउट की जगह और कुछ चाहिए, तो आप बहुत इजीली ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। अब इसको अब हम मैप के थ्रू रेंडर करेंगे राइट। सो सबसे पहले मुझे लोडर्स इंस्टॉल कर लेता हूँ, लोडस एक बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है और हम बहुत यूज करते हैं इसको, लाइक बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स दे देती है, बहुत सारे फंक्शन यूटिलिटीज़ जो आपको करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जो ऑलरेडी बने पड़े हैं, तो हमको वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए राइट। सो मैप लोडस से आ जाएगा, एंड मैप में क्या है हमारा, नेम है राइट। अब ये उसका नाम दे देते हैं, अब जो ये टैब है वो उसके प्लेस पे ये चीज रेंडर हो जाएगी। ओके, एंड इस पे आ जाएगा टी डॉट लेबल टैब की, एंड इसमें आ जाएगा लेबल, लेबल दे दिया, शुड बी लेबल, शुड बी लेबल, और एक एरे में रेंडर कर रहे हैं तो हमको की देना कंपलसरी होता है। तो आप देखोगे सिक्स हो जाएंगे, अब 1 2 3 6 ये मेरे को ना इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा,
ओ सॉरी, ध्यान से हमने इंस्टॉल किया था तब हमने बंद कर दिया था उसको। हाँ स्टार्ट, सम टाइम ये टाइम लेता है, लाइक इट्स ऑल डिपेंड ऑन लाइक बिल्ड कर रहा है हमारे प्रोजेक्ट्स को, तो उसमें जस्ट जितना टाइम लगता है लगता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, एंड इसको हॉरिजॉन्टल कर लो, सेम थिंग। ओके गाइस, सो अब हमको ये चीज़ नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो सेम चीज़ हमने एरे में कर दी। देखो अभी भी सेम चीज़ सही से काम कर रही है, एंड ये अब सेम चीज़ को यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, यहाँ पर भी वही रहेगा। जस्ट अब हमको क्या करना होगा, जस्ट अब हमको यहाँ पर इसकी बजाय ये चीज़ रिप्लेस कर देनी है टैब से। यहाँ पर टैब पैनल, एंड टैब की लगेगी हमको, टैब की हो गया, ठीक है। एंड आप यहाँ पर इसकी आईडी भी दे सकते हो, आईडी क्या हो जाएगी, डॉट आईडी, एंड यहाँ पर पैनल कर दो आप, की हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर अपने को थोड़ी सी ट्रिक खेलनी पड़ेगी, बिकॉज टी डॉट आई डी इक्वल टू जो मेरा टैब का नेम है, जैसे होम, अगर ये होम है तो यहाँ पर मेरा लाइक होम टैब ये एंटर करते हैं। देखो अभी कर रहा है ये, देखो टू कर दिए, क्यों क्यों टू किया इसने, क्योंकि हमारा एक यहाँ पर एंडर हो रहा है, एक वहाँ पर एंडर हो रहा है, तो इसलिए उसने टू कर दिया। इसको रिमूव कर देते हैं, अब वो वन ही करेगा, वन राइट। सो अब मेरे को सेम चीज के लिए सभी के लिए करना, ये मेरा हो जाएगा अबाउट के लिए, और ये हो जाएगा मेरा कॉन्टैक्ट, एंड यहाँ पर जस्ट अबाउट कर देना है, यहाँ पर जस्ट कॉन्टैक्ट कर देना है, और इस चीज़ को हम रिमूव कर देते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा ना, ये देखो अब मेरा मल्टीपल मैं टैब्स को कनेक्ट कर रहा हूँ तो सेम चीज़ हो जा रही है, राइट। अब मैं जैसे कल को बोलते हैं नहीं भाई ये होम, होम की जगह हाउस होना चाहिए, अबाउट की जगह प्रोफाइल होनी चाहिए, तो अब आपको ना कुछ चेंजेस ही नहीं करने, वन प्लेस पे चेंज करना है। और देखा ये एवरी प्लेसेस पे ये चेंज हो चुका है, लाइक यहाँ पर भी चेंज हो गया, यहाँ पर भी चेंज हो गया, जस्ट वन चेंज से। सो ये बेनिफिट्स होते हैं, लाइक इजी टू मेंटेन कोड होना चाहिए, इजी टू चेंजेस कोड होना चाहिए, और इजी टू अंडरस्टैंड कोड होना चाहिए, ये एक बेस्ट डेवलपर की पहचान होती है। तो आपको भी ये सेम सिस्टम फॉलो करना होता है, ओके। सो होप एवरीथिंग इज क्लियर्ड, एंड मैंने बहुत अच्छे से अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे के आपको समझाने की ट्राई की है एवरीथिंग, लाइक अब तक हमने क्या क्या देखा है, टैब्स देख लिए हैं, कैसे कंपोनेंट्स हम बना रहे हैं, कैसे चेंजेस कर रहे हैं फ्रॉम वन कंपोनेंट टू सेकंड कंपोनेंट, कैसे हम मैप के थ्रू रेंडर कर रहे हैं मल्टीपल कंपोनेंट्स को, और क्या कर रहे हैं हम इसमें, लाइक कैसे हम कंटेक्स्ट को क्रिएट कर रहे हैं, कैसे हम ओरिएंटेशन को हैंडल कर रहे हैं, कैसे हम पेरेंट्स से चाइल्ड कंपोनेंट्स को पास कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम इस लाइक फुल पूरे पार्ट्स में, मैं लाइक 4 to 5 पार्ट्स में मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का। और गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आप कमेंट करिए मेरे को बताइए, और अगर आप एंड तक मेरे पूरी प्लेलिस्ट देखते हो तो प्लीज़ लेट मी नो कि कैसे आपको लगा
आइदर गुड बैड और क्या इम्प्रूवमेंट्स करने की रिक्वायरमेंट है, और इफ़ यू वांट टू कवर एनी टॉपिक वो भी मुझे बताइए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट फ्रॉम योर साइड। आप मेरे को मेरी हेल्प कर सकते हो, मेरे को सपोर्ट कर सकते हो, मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। या थैंक्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ, अनुज सिंगला।